हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करने वाले हैं आप अपना 2021 का बिजनेस प्लान कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर सकते हैं 2021 में सक्सेस होने के लिए। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे गोल्स को अचीव किया है, वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा 2020 में भी आपने काफी सारे गोल्स बनाए होंगे, रेजोल्यूशन बनाए होंगे, बट वो 90% लोगों के पूरे नहीं होते हैं। अपन मतलब 10-15 दिन के बाद तो भूल भी जाते हैं कि क्या रेजोल्यूशन थे। सो गाइस, ऐसा क्या किया जाए कि वो रेजोल्यूशन पूरे हो और वो गोल्स जो आपने सोचे हैं वो पूरे हो और आप उनको अचीव कर पाए और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। तो इसी के लिए गाइस आज मैंने छोटा सा एक रोड मैप तैयार किया है। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप 2021 के अंदर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या अपने रेजोल्यूशंस प्लान करना चाहते हैं और कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाउ यू राइट अ बिजनेस प्लान फॉर 2021। इसको मैंने 4 या 5 पार्ट्स में आप कह सकते हैं मैंने डिवाइड किया है इसको। एक तो कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान करेंगे, उसमें चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, उसका सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे और उसके की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, और एंड में रिसोर्सेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सो गाइस, कॉन्सेप्ट का मतलब है विन बिफोर यू इवन विन। लाइक आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप ये चीज कर सकते हैं। जैसा कि आपको कोई बिजनेस खोलना है, कोई स्टार्टअप करना है, कोई जॉब अचीव करनी है, जो भी है वो आपको पहले अपने माइंड के अंदर बिलीव लेना पड़ेगा कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूं। सो गाइस, इसको पहले आपको एक अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना है कि चीज को ये मुझे करना है और इसका कोई इफ एंड बट नहीं है। सेकंड चीज, आपको विजुलाइज करना है नंबर्स में। लाइक आपको पैसा चाहिए या कार चाहिए या फिर किसी भी चीज के अंदर सक्सेस चाहिए तो नंबर्स इज अ बिग थिंग टू विजुलाइज। लाइक आपको एक कार खरीदनी है तो उस कार का फोटो आप अपने रूम के अंदर या अपने गोल बुक में लगा सकते हैं। लाइक आपको कितनी सैलरी चाहिए, आपको इतनी सैलरी का पैकेज चाहिए या आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, उन एग्जैक्ट नंबर्स को विजुलाइज कीजिए तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। लास्ट चीज है कनेक्ट योर नंबर्स विद इमोशंस। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत सक्सेस चाहिए, मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, वो क्यों चाहिए उसको किसी इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करिए। लाइक आपको घर चाहिए, लाइक आप एक नया घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने लाइक अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक इमोशंस कनेक्ट होना नेसेसरी है। जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो एक इमोशंस कनेक्ट रहता है तो आपके अंदर डबल एनर्जी उस गोल को अचीव करने के लिए रहती है। इन तीन चीजों को आपको जल्दी से जल्दी अपने गोल बुक के अंदर नोट डाउन करना है, उसकी इमेजेस वगैरह आप अपने गोल बुक में लगा सकते हैं और आपको एक क्लियर रोड मैप क्रिएट करना है इसके थ्रू कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियरली अपने माइंड के अंदर होनी चाहिए। लाइक अपनी फैमिली के लिए आप एक ट्रिप प्लान करना चाहते हैं और आप अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक विजुअलाइज क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। और इस चीज के बाद आते हैं चैलेंजेस। इन सब चीजों को करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्टिविटी की। ज्यादातर टाइम अपना व्हाट्सएप में चला जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फ्रेंड से कॉल्स पे बात कर ली, इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। प्रोडक्टिविटी के लिए मैं आपको काफी सारी टिप्स दे सकता हूं और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप जितना टाइम अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। आपको फोन्स को साइलेंस में रखना पड़ेगा, आपको अपने फोकस काम पे करना पड़ेगा और अपने डेली के प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आज आप क्या करने वाले हैं। आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल है अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप भी मैं चला लूंगा, इंटरनेट भी देख लूंगा, फेसबुक भी देख लूंगा, फिर भी गोल अचीव हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड प्रॉब्लम आपको आने वाली है टेक्निकल स्किल्स की। सर मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, मुझे व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम नहीं आता है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, एसईओ नहीं आता है, मैं को इंग्लिश नहीं आती। काफी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो गाइस, जितना आप टाइम अपना वेस्ट करते हैं उससे बेटर है आज के डेट में ऑनलाइन इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पे जाके आपको लगता है कि मुझे एक ब्लॉग क्रिएट करना है, उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, वीडियोस बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ये कोई आपको कॉलेज की डिग्री के अंदर नहीं मिलने वाले, आप उसके लिए सिंपल गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। काफी सारे टेक्निकल स्किल्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और अपने नॉलेज और पैसे को आप किसी पेड कोर्स में आपको लगता है कि एक्सपर्ट है उस चीज का, आप उस बंदे से भी सीख सकते हैं ये चीज। थर्ड चीज, मैं टीम कैसे क्रिएट करूंगा, टीम कैसे लाऊंगा। सो गाइस, टीम के ऊपर आप बाद में काम कीजिएगा, इनिशियली आप ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करना है। टीम अपने आप जैसे जैसे ग्रो होंगे, टीम लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आप नेटवर्क क्रिएट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थर्ड प्रॉब्लम आने वाली है एड प्लेटफॉर्म्स की। जो भी डिजिटल बिजनेस के अंदर है या ट्रेनिंग के अंदर है, आईटी सर्विसेज के अंदर है, एड प्लेटफॉर्म पे काम करना नहीं आता है। फेसबुक की एड्स कॉस्ट ज्यादा है, लाइक गूगल एड्स काफी कॉस्टली है, इन सब के प्रॉब्लम्स आने वाली है।
सो गाइस पहले आपको बेसिकली ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सीखनी पड़ेगी। फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, मेरा खुद के कोर्स भी है फेसबुक एड्स पे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें सीखी जा सकती है, चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज देख के कर सकते हैं। आप नेक्स्ट चैलेंज फेस करने वाले हैं, सेलिंग स्किल्स नहीं है आपके अंदर, वो भी डेवलप की जा सकती है। सेलिंग स्किल्स ऐसा आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि आप डोर टू डोर जाके सेल कर रहे हैं, डिजिटल सेलिंग हो रही है हर फील्ड के अंदर, उसके लिए आपको फेसबुक एड, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग ये सब सीखना है। इजीली आप 3 to 4 month के अंदर सीख सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली प्रोडक्टिविटली किसी स्किल्स को सीखने में अपना माइंड लगाते हैं। तो मार्केट वॉलेटिलिटी, इस चीज की मार्केट में नीड है कि नहीं है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ये सब चीजें आपको जब आप काम करेंगे, डिसाइड करेंगे किस चीज को करना है, तब आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होता है। थर्ड इश्यूज आ सकते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। सो आज की तारीख में कोई भी अपनी हेल्थ को सीरियस लेता नहीं है, मोबाइल्स में लगे हुए, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहा है। सो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप इस बिजनेस को या किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। सो गाइस अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, आप मॉर्निंग में अपने 1 या आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज को दीजिए, और अपने जो आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, आपकी बॉडी एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी एक्टिव नहीं है तो गाइस आप कुछ भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। सो गाइस अपने माइंड को, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना नेसेसरी है। कुछ टाइम अपनी बॉडी के लिए निकालिए और अपना एक डाइट प्लान बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, जो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसी की हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लास्ट प्रॉब्लम आती है, फैमिली में कोई इशू है या आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको ओवरकम करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको भी आप इजीली हैंडल करते हैं तो ये सारी चीजें मेजरली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है गोल्स को अचीव करने के लिए। सो गाइस इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, सिस्टम कैसे क्रिएट करें। सर ये सब तो हमको समझ आ गया, एड्स सीखने पड़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेल लेनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा मंथली कस्टमर एक्विजिशन गोल्स, आपको एक्जैक्टली नंबर लिखने पड़ेंगे कि फर्स्ट मंथ में मेरे को कितने कस्टमर्स एक्वायर करने, सेकंड मंथ में कितने कस्टमर्स एक्वायर करने, थर्ड मंथ में कितने कस्टमर्स एक्वायर करने। आपको दिख रहा होगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो लेवल 1 में बेसिकली क्या है, लेवल 1 को आप मान सकते हैं मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3। अगर आपका बिजनेस कोई वीकली का है या डेली का, आप लिख सकते हैं कि मुझे वीकली इतने कस्टमर्स चाहिए, वीक 1 वीक 2 वीक 3। आप एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाइए मंथ का और लेफ्ट साइड में लिखिए कस्टमर्स को। आपका कोई भी एक नंबर है, फिक्स नंबर है, आपका जो पास्ट 3-4 महीने का वर्कआउट है, आपको लगता है कि 10-10 कस्टमर्स मेरा मंथली का आता है और डेली के आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिगर अपने आप को दे सकते हैं चैलेंज कि मुझे 20 कस्टमर्स इस मंथ में चाहिए, 40 नेक्स्ट मंथ में चाहिए, उसके नेक्स्ट मंथ में 60 चाहिए। तो 100% ग्रोथ आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, बट आपको नंबर्स एक्सेल के अंदर दिखेंगे तभी आप उसके लिए काम करेंगे। आपके सामने कोई आप व्हाइट बोर्ड लगा सकते हैं, शीट लगा सकते हैं, आप एक्सेल बना सकते हैं, मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं कि मेरा इस महीने का टारगेट इतने कस्टमर्स का है, मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट इतने कस्टमर्स का है, मेरा डेली का इतना कस्टमर्स का है। अगर डेली आप सेल्समैन है, डेली आप अपना टारगेट बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं और वीकली बना सकते हैं। सो इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों ही टारगेट बना सकते हैं। सो इसके थ्रू आप वर्कआउट करना, आपको क्लियर रहेगा कि मुझे कितना काम करना है कितने कस्टमर्स के लिए। और सेकंड जो शीट आपको क्रिएट करनी है वो आपके एनुअल रेवेन्यू गोल्स के लिए। कईयों का होता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो मुझे लखपति बनना है, मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना है, मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, जो भी आपका गोल है उसके ईयरली के कितने प्रॉफिट्स चाहिए आपको, कितना टर्नओवर करना पड़ेगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, वो सारी चीजें आती है। आपको 1 करोड़ रुपए इस साल के अंदर कमाने हैं, तो टोटल रेवेन्यू गोल्स हो जाएगा आपका 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए कमाने हैं इस साल के अंदर, और वो कैसे आएंगे, उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, उसमें कितने कस्टमर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, वो लेवल 1 2 3 ये मंथली आपका आ जाएगी कि हर 3 मंथ्स के अंदर मुझे 500 कस्टमर्स चाहिए, हर 3 मंथ के अंदर मुझे 500 कस्टमर्स चाहिए। तो 1500 कस्टमर्स हो गए, उसका मतलब कि 1500 अगर कस्टमर्स हो गए तो वो एक कस्टमर से आपके क्या वॉल्यूम आ रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट की प्राइस है, वो डिपेंड करती है। उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयरली का मुझे कितना टर्नओवर या रेवेन्यू करना है। सेकेंड जो चीज है वो है मैप आउट योर मंथली एक्सपेंसेस। आपके जो मंथली के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको एक्सेल के अंदर नोटेड डाउन करने हैं। वो हो सकता है आपके टूल्स के एक्सपेंसेस हो गए, सिस्टम्स के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, टीम के एक्सपेंसेस हो गए, जो भी अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, सैलरीज हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, टूल्स हो गया, उनको एक एक्सेल के अंदर बना के उनकी कॉस्टिंग निकालनी है आपको, जिसके थ्रू आपके एक्चुअल रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको पता चल सके एट द एंड ऑफ मंथ। इसमें आपको पूरी एक एक छोटी से छोटी चीज को नोटेड डाउन करना है, ठीक है। इसमें टूल्स आ जाते हैं आपके, सिस्टम्स और एडवर्टीजमेंट और टीम सभी के खर्चे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैप आउट और मंथली एंड एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स। इसमें क्लियर कट आ जाता है, इसका मतलब है आपने महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, दैट इज योर एक्चुअल एनुअल प्रॉफिटेबल गोल। कि मुझे काटने के बाद मेरे जो प्रॉफिट आना चाहिए
वो 1 लाख रुपए आना चाहिए, 2 लाख रुपए आना चाहिए या 10 लाख रुपए आना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स और आपके माइंड में कितने गोल्स, कितने टारगेट कर रखा है आपने प्रॉफिट्स को, उस पर डिपेंड करता है। सो गाइस इसको भी प्लान करना बहुत जरूरी है, आपके मंथली के प्रॉफिटेबल गोल्स एंड एनुअली गोल्स दोनों को आपको प्लान करना जरूरी है। आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और आप एक अपने गोल बुक बना सकते हैं उसमें भी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेटअप योर मनी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक ये सब चीजें मैंने आपको बता दी कि पैसा तो कमा लिया आपने, बट पैसे को मैनेज कैसे करें। सर पैसे तो आता है चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया, कैसे करें। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है, उसका सिंपल सा फंडा है। आपको हर पर्सन के पास 3 से 4 बैंक अकाउंट्स होते हैं। लाइक आप कंपनी चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, आपके पास एक बेसिकली एक करंट अकाउंट होता है या 2 भी होते हैं, और उसके बाद आपके पास 2-3 सेविंग अकाउंट्स होते हैं। आजकल तो डिजिटल सेविंग अकाउंट्स भी है, तो अकाउंट ओपन करवाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो गाइस आपको क्या करना है, अगर आप जीएसटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं या टैक्स लाइबिलिटी बनती है आपके ऊपर, तो आपको अपने करंट अकाउंट में जैसे ही आपके फंड्स आते हैं, कस्टमर्स के से प्रॉफिट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको 4 या 5 अपने अकाउंट्स, 4 सेविंग अकाउंट्स क्रिएट करने हैं अलग अलग बैंक्स के अंदर आप कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, एक अकाउंट को नाम दे देना है टैक्स का, दूसरे अकाउंट को नाम दे देना है वेल्थ का, तीसरे को दे देना है चैरिटी का, चौथे को दे देना है जनरल एक्सपेंसेस जो भी आपके होते हैं, ठीक है। तो आपको मंथली का जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें जितना टैक्स बनता है आपको, वो टैक्स का पैसा आपको उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। सेकंड, जो आपकी वेल्थ है, आपकी जो सैलरी है, आपको जो सेविंग्स करनी है, वो इसके अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। थर्ड, जो आप चैरिटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सोशल किसी को हेल्प करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एनजीओ में डोनेट करते हैं, उसका फंड आपको थर्ड बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। और फोर्थ, जो आपकी सैलरीज आती है, जो डेली के लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, आपके जो डेली के एक्सपेंसेस है वो हो गए, वो सारी चीजें आप इस जनरल अकाउंट से करोगे। अगर आपको कंपनी के कोई एक्सपेंसेस है, आप एक करंट अकाउंट और ओपन कर सकते हैं और उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए फंड, वहां से आप कंपनी के छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो सारे उस अकाउंट से कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी है अपने बिजनेस के अंदर अगर आप मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो। लास्ट है प्लान योर टास्क एंड अचीव योर गोल्स। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जैसे 1 लाख रुपए अर्न करने हैं मंथली का, या साल का कितना होगा 12 लाख रुपीज, तो आपका ईयरली का गोल हो गया 12 लाख रुपीज, क्वार्टरली का आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, फिर आपको डिवाइड कर देना मंथली का गोल। लाइक 1 लाख रुपीज मंथली कमाना, तो वीकली में कितना कमाना पड़ेगा, डेली में कितना अर्न करना पड़ेगा, उस अमाउंट को अर्न करने के लिए मुझे कितने कस्टमर्स चाहिए, वो डिटेलिंग में आप ये आप अपना प्लान कर सकते हैं। गोल को प्लान करने के लिए मार्केट में अलग अलग गोल बुक्स भी अवेलेबल हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप अपने कोई भी गोल बुक परचेज कर सकते हैं अमेज़न से। वहां पे नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका वीकली गोल क्या है, ईयरली गोल क्या है, क्वार्टरली गोल क्या है, आपकी डेली हैबिट्स कौन सी चेंज करना चाहते हैं, हेल्थ पे आपने क्या काम किया, वेरी मतलब बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में सारी चीजें वेल प्लान लिखी होती है वहां पे, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो गाइस इस पे मेन टॉपिक्स पे जो की पॉइंट्स हैं इन सब चीजों के, उसमें हम बात कर लेते हैं। आप बिजनेस को आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ट्रीट दिस लाइक ए बिजनेस, इट वाज ट्रीट बैक लाइक ए बिजनेस। अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखेंगे तो बिजनेस भी आपको बिजनेस की तरह रिटर्न दे देगा। कभी भी इसको लाइटली मत लीजिए कि यार कभी टाइम मिल गया तो कर लिया, नहीं कर लिया नहीं करा, कभी पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं, कभी भी ऐसा मत करिए। एंड डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी टू ग्रेटनेस। इसका मतलब है कि कभी भी आप चीपनेस का इसमें चीपनेस का सेंस है, कभी भी आप फ्री टूल्स हो गया, ट्रेनिंग पे अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो गया, टूल्स परचेज नहीं करना, फ्री चीजों के ऊपर अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और आप उनको परचेज कर सकते हैं तो परचेज करके आगे बढ़िए। टूल्स हो गए, छोटे छोटे टूल्स हैं जो परचेज नहीं करते अपन, नल थीम को यूज करते हैं, तो इस चीजों को छोड़ के देखिए आप, आपको क्या रियली में बेनिफिट होता है वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा आपके बिजनेस के अंदर। सो एंड सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है सॉरी, जितना आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू देंगे उतना आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा बनाएंगे। मोर वैल्यू मोर इनकम, सिंपल है। आप जितना वैल्यू देते जाएंगे उतने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है और उतना आप पैसा अर्न करते हैं। और सेकंड चीज है, आपको कोई कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच के बिजनेस खत्म नहीं करना है कि मैंने पैसा कमा लिया और खत्म। सेकंड, आप उनके साथ कम्युनिटी बिल्ड करिए। अगर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए अगर पैसा कमाना है उनके साथ, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, उनके साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उनकी छोटी छोटी चीजों में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। आप उनके साथ एज ए फैमिली आप जब तक कनेक्ट नहीं होंगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, और वो आपके लाइफ टाइम कस्टमर्स बन जाएंगे अगर आपने एक बार उनसे रिलेशन बना लिए तो। और सेकंड लास्ट चीज है, अगर आपने सोचा कि एक बार मैं बिजनेस खड़ा कर लेता हूँ फिर पैसा ही अपने आप आता रहेगा, नो गाइस, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, सिस्टम्स को देखना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पता है कि ये सारी चीजें ड्रॉप आउट स्लोप की तरह नीचे आ जाएगी एंड बिजनेस इज ओवर।
बिजनेस इज अ कंटिन्यूस ही एफर्ट, आपको कंटिन्यूस इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बिजनेस नीचे आने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड रिसोर्सेज के अंदर मैं आपको इस माइंड मैप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसको आप नीचे देख सकते हैं। ये माइंड मैप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और अपनी गोल बुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।